परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और जो बहुत दुखी प्राणी थे उनको पहले तो सुख दिया, फिर वो ज्ञान समझा, परमात्मा के शिष्य बने, 64 लाख शिष्य हो गए थे आज से 600 वर्ष पहले, जबकि पूरा भारत में अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा नेपाल और ये इराक, ईरान, गडगजनी तक, ये सारा भारत था। और कुल मिलाकर सारे भारत की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, और उसमें 64 लाख से सो जाना बालकों का खेल नहीं है। लेकिन हम गफलत कर गए, हम गफलत कर गए, परमात्मा से दूर हो गए, क्योंकि हमें सुख हो गया था, जो दुख थे वो हमारे दूर कर दिए परमात्मा ने, फिर सुख हो गया, हम भगवान से दूर हो गए, जिस कारण से आज आप फिर उसी समय से सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक इस धरातल पर एक लीला करने के लिए, जो प्रत्येक युग में आते हैं, जो परमात्मा की एक लीला है, परमात्मा का एक गुण है जो वेदों में भी वर्णित है, वो ऐसा करते हैं अपना ज्ञान देने के लिए, एक जनसाधारण की तरह काम करते हैं, जनसाधारण की तरह अपना कर्म करके, निर्वाह करके एक रोल करते हैं, भूमिका करते हैं, एक एग्जाम्पल कोड करके चले जाते हैं कि सुयोग शिष्य में कैसे गुण होने चाहिए, सुयोग नागरिक में कैसे गुण होने चाहिए, और तत्वदर्शी संत कैसा होता है, परमात्मा क्या क्या लीलाएं करता है, वो सारी क्रियाएं वो सब परमात्मा ये कर्म करके प्रमाणित करके जाते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। और उसी के विषय में फिर वेद और सदग्रंथ सभी बताते हैं कि प्रभु के ऐसे गुण हैं, वो ऐसा करता है, ऐसे प्रकट होता है, ये वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है। तो परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले जब आए, 120 वर्ष तक रहे, तो उन्होंने हम सभी को ये ज्ञान दिया, हम उस परमात्मा को समझ नहीं सके, भगवान नहीं मान पाए, परमात्मा से हम दूर हो गए। तो उसी समय से हम वो साधना जो मालिक के चरणों में हमने की थी उसके आधार से आप जी को मनुष्य शरीर मिलते हुए आ रहे हैं। आज आपके अंदर परमात्मा की कसक बनी हुई थी, परमात्मा की चाह में कोई कहीं ना कहीं अवश्य कोई भटक रहा था, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, कोई ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर परमात्मा की खोज करने जाता था, और कोई कहीं ना कहीं, कोई सालासर, कोई बालाजी, कोई वैष्णो देवी, कोई केदारनाथ, कोई अमरनाथ, कोई रामेश्वर, कोई गया जी की तक पंडार है, वो बनभौरी, यानी सारा भटक रहे थे, क्योंकि आप मनुष्य जीवन से आए हैं, तुरंत मनुष्य जीवन से ही नष्ट मनुष्य जीवन मिला आपको, इसलिए आपके अंदर चाह परमात्मा की है, और आप जी का व्यवहार, आप जी के अंदर वे गुण, ये पुराने संस्कारों से विद्यमान है। आप जी यहाँ आते हैं, आप यहाँ 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जितना भी स्टे करते हो, आप जी का व्यवहार कितना अच्छा है, जहाँ बैठा दिए वहीं बैठे रहते हैं, जो मिल गया खाने को उसे हर स्वीकार कर लेते हैं, ना इतने आदमी की तक इकट्ठे हो जाए मेले में, गट्टुम गुट्टा, गाड़म गाड़ा, 100 प्रकार की बदमाशी शुरू हो जाए, और आप ऐसे बैठे रहते हो जैसे देव पुरुष बैठा करते हैं, क्योंकि आपके पिछले मनुष्य जीवन से आए हुए, और मनुष्य जीवन से आए हुए प्राणी के एक मानुष जैसे गुण होते हैं, और आप में चाह है भगवान की, आप परमात्मा के लिए तरफ रहे थे, और उस परमेश्वर ने फिर रजा पकड़ दी, यो मार्ग फिर से मिल गया। और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त है,
लेकिन वो परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देते। उनको कितना ही कह ले, कितना समझा ले, कति नहीं माने। गुट्टी लावेंगे, हुक्का पाड़ेंगे हैं, और सिनेमा देख लेंगे, और की तो बकवाद कर लेंगे, और कितना धंधा करवा ले वो कर लेंगे, लेकिन वो राम नाम नहीं रट सकते। वो परमात्मा की चर्चा भी नहीं सुन सकते, क्योंकि वो मानव शरीर से नहीं आए हैं। वो पिछले 84 लाख योनियां भोग के टर्न वाइज मनुष्य शरीर प्राप्त है ऐसे प्राणियों को, जो परमात्मा के नाम से चिढ़ते हैं और कहते हैं भगवान है नहीं, और ऐसे 100 प्रकार के उदाहरण देकर अपने आप को सेट किए बैठे हैं। तो वो मानव शरीर से नहीं आए हैं, वो पिछले जन्म से कोई किसी पशु पक्षी या जड़ जुनी के शरीर से छोड़कर आए हैं। तो ऐसे व्यक्ति उनको कितना ज्ञान समझा ले, भक्ति कराया नहीं करते और ना सुना करते। वो सुन लेंगे, काना पर घटाने जाएंगे। जैसे आप प्रत्येक परिवार में देख लीजिए, कुछ एक परिवार तो ऐसे हैं जो पूरा का पूरा परिवार मालिक के चरणों में आ गया है, कुछ परिवार के ऐसे हैं जो इसमें 1-2 सदस्य नाम ले रखे, 3 सदस्य कति नहीं सुनते, विरोध और करते हैं, गालियां देते हैं उनको। तो वो जड़ दुनी से आए हुए प्राणी हैं या पशु पक्षी के शरीर से आए हुए प्राणी हैं, जो परमात्मा के ज्ञान को सुनना नहीं चाहते। एक घर में पिताजी ने नाम ले लिया, बेटा लेता नहीं। जो पिताजी कभी भी अपने संतान को गलत मार्गदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि वो उन्हीं के लिए जी रहा होता है, और वो बेटा नहीं मान रहा है तो वो पशु जुन्नी से आया हुआ प्राणी है, उसके बस की बात नहीं, वो काल का प्राणी है। और जो अच्छी आत्माएं हैं, जो परमात्मा की शरण में कभी रही हैं, वो कोयल के बच्चे हैं, और जो जड़जुनी से आई हैं वो काल के बच्चे हैं, काग के बच्चे हैं, वो काल प्रेरित हैं। उनके अंदर वो प्रवेश होना बड़ी डिफिकल्ट है, वो तो जाएगा लेकिन बहुत समय लगता है। अब ये कोयल क्या करती है, कोयल जो होती है ना पक्षी, ये अपना भिन्न अलग से कोई घोंसला बनाकर अंडे बच्चे पैदा नहीं करती है, क्योंकि अलग से अंडे वो पैदा करती है तो कौवे खा जाते हैं उसके अंडों को, छोड़ते नहीं। तो क्या चतुरता करती है वो, उन काग के अंडों में, घोंसले में, जहाँ मादा कौवे ने अंडे दे रखे होते हैं, उत्पन्न कर रखे होते हैं घोंसले में, वो कोयल वहीं पर अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। जब मादा कौवी कहीं चुग्गा चरने चली गई होती है, वो ताक में रहती है। अब जब वो कौवी आती है वापस, वो देखती है कि 4 अंडे हो गए, ये पहचान नहीं पाती तेरे कौन से हैं और दूसरे कौन से हैं। तो इस डर से कि कहीं मैं अपने अंडों को ही ना डाल दूं नीचे या खराब कर दूं, तो उन 4ों को ही से लेती है, 4ों को ही परवरिश कर देती है, 4ों में से बच्चे निकाल देती है। और वो कोयल देखती रहती है कि मेरे बच्चे इसमें अंडे में हैं, बच्चे बन गए, उसकी दृष्टि रखती है। जब वो बच्चे कुछ फुदफुदाने लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं, वो देखती रहती है। जब वो बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो दूर वृक्ष पर बैठ कर कोयल अपनी प्यारी प्यारी बोली बोलती है। कोयल के बच्चे अपनी माँ की बोली को तुरंत पहचान जाते हैं और ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। फिर वो बार बार बोलती है तो उड़कर उस कोयल की आवाज़ की तरफ वो उसके बच्चे उड़कर चल पड़ते हैं। कोयल क्या करती है, वहाँ से उड़कर चल पड़ती है और वो आवाज़ लगाती हुई चलती है, उसके बच्चे साथ साथ बहुत दूर निकल जाते हैं। कुछ देर तो वो कौवी उन बच्चों के पीछे उड़ती है, मेरे बच्चे गए, मेरे बच्चे गए, लेकिन वो बहुत दूर चले जाते हैं, वापस आ जाती है, कहीं दूसरे बच्चों को हानि ना हो जा, उनका पीछा छोड़ देती है। और जो कौवे वाले बच्चे होते हैं, काग वाले, वो नहीं परवाह करते, वो देखते भी नहीं उसकी बोली की तरफ। कोयल वालों ने अपनी माँ की बोली को पहचान लिया और उसके साथ चले गए। तो ऐसे ही वो प्राणी जो एक ही परिवार में 4-5 सदस्य हैं, जिनमें से 2-3 ने नाम ले लिया है, 2 नहीं ले रहे हैं, यही समझो काग और कोयल के, उन्होंने कभी किसी जन्म में भक्ति नहीं की। वो टर्न वाइज उन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त है। एक समय
कागभूषण नाम के एक भक्त ने अपने मित्र गरुड़ को अपनी आत्मकथा सुनाई। क्या बताया? अब गरुड़ जी ने पूछा कागभूषण से कि हे कागभूषण जी, आपने इतनी अच्छी साधना, ऐसी भक्ति, ऐसी उपलब्धि कैसे प्राप्त हुई? तब कागभूषण बताता है कि गुरुदेव, मेरी बहुत लंबी कहानी है, अब उसको याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कितना नीच प्राणी था। क्या बताता है कि मेरे असंख्यों मनुष्य जीवन मैंने बर्बाद कर दिए, किसी जन्म में भक्ति नहीं बनी। कभी टर्न वाइज नंबर मनुष्य का आता था, ऐसे बकवादों में मैं खो देता था। इसी प्रकार 84 लाख योनियां भोगने के उपरांत परमात्मा के विधान अनुसार मुझे मानव जीवन प्राप्त हुआ। उस समय हम 4 बहन भाई थे, 2 भाई 2 बहन हमारे माता पिता थे। जब मैं सबसे बड़ा था, मेरी आयु 20 वर्ष की थी। उस समय उस क्षेत्र में बहुत अकाल गिर गया। मेरी आंखों के सामने हाहाकार करके मेरा भाई, मेरी बहनें, मेरे माता पिता भूख के मारे तड़प तड़प कर प्राण छोड़ गए। मैं शरीर में तगड़ा था, भूख को सहन कर ली मैंने, मैं नहीं मर पाया। आसपास का अक्षेत्र उजड़ गया कति। मैं उस अक्षेत्र को छोड़कर अमंतका नगरी में आ गया और वहां पर अकाल नहीं था। पेट भरकर रोटी खाई, भोजन खाया, फिर सोचने लगा कि हे परमात्मा, ये क्या जीवन है? कल तक तो हम हंस खेल रहे थे, हमारा बड़ा पूरा परिवार था, और आज मैं अकेला रो रहा हूँ। ना भाई है, ना बहन है, ना माँ, ना पिता। फिर मैंने एक मंदिर के अंदर एक पंडित जी भगवान शिव की कथा कर रहा था, सत्संग कर रहा था, मैं वहाँ चला गया। उस ब्राह्मण को मैंने अपने सारे दुख बताए, मेरे साथ के बीती। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए और कहा, बेटा, यह तो ऐसा ही विधान है, जन्म और मृत्यु ये सभी के साथ है, चिंता ना कर बेटा, होगी सो होगी। अब तू यहाँ मेरे साथ रह, मेरे बच्चे की तरह रह बेटा, और अपना भक्ति कर, भगवान की सत्संग सुनाया करे। अब उसने कहते हैं, उस गुरुदेव के ब्राह्मण के पास मैं रहने लगा, वहाँ ही मैं भोजन करता, मंदिर की सफाई सफुई कर देता, भगत सत्संग सुनने आते थे। 6 महीने हो गए मैंने उसके साथ रहते, गुरु उस ब्राह्मण के साथ रोज कथा सुनूं, रोजाना वो कथा सुनावे, बेटा भक्ति करनी चाहिए, भक्ति बिना इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत दे देकर समझावे, लेकिन मेरे असर हो नहीं कि मैं नाम ले लूं। मुझे बार बार कहे, बेटा भक्ति कर ले, उपदेश दीक्षा लेनी चाहिए। तो वो कहता, मेरे मन में रुचि नहीं बने कि मैं उपदेश ले लूं, गुरु बना लूं, भक्ति कर लूं। कारण क्या है? तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न भावे, जैसे जबर के बेगते भाई भूख बिदा हो जावे। जैसे किसी को बुखार हो, मलेरिया हो गया हो, उसको भोजन अच्छा नहीं लगता, ना तो रोटी अच्छी लगती है, काजू किशमिश मनुखा दाग को भी कहता मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, सेब संतरे भी वो नहीं खा पाता क्योंकि उसको वो कड़वी लगती है। प्रतिदिन आहार करने वाला भोजन, रोटियां भी कड़वी लगती हैं। तो पुण्यात्माओं, ना रोटी कड़वी, ना मनुखा दाख कड़वी, ना सेब और संतरे कड़वे। बुखार ने, उस जवर ने उस व्यक्ति के शरीर की व्यवस्था इतनी कंडम कर दी कि मीठी वस्तु भी उसने कड़वी लग गए। इसी प्रकार पाप कर्मों के बुख जवर के कारण
पिछले जन्म जन्मांतर के पापों के दबाव से उस प्राणी को जिसको परमात्मा की भक्ति और ज्ञान रूपी सत्संग रूपी मनुखा दाख कड़वी लगती हैं, तो उसके पाप कर्मों ने उसके अंतःकरण को इतना खराब कर दिया, वो मीठी वस्तु भी मीठा पदार्थ भी कड़वा लग रहा है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, कि जैसे मलेरिया हो जाता है, मलेरिया रोग को नाश करने के लिए कड़वी कुनीन खानी पड़ती है, ना रुचि हो तो भी खानी पड़ेगी, उनके खाने से ही वो मलेरिया जबर समाप्त होगा और फिर पुनः उसको भूख लगेगी, स्वस्थ होगा। पुण्यात्माओं यही तरीका है। प्रारंभ में परमात्मा की चर्चा पिछले संस्कारियों को तो अच्छी लगती है, लेकिन जिनके संस्कार अच्छे नहीं होते उन और पीछे अच्छे भी संस्कार हैं लेकिन पाप कर्म ज़्यादा है, उनको भी डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो उनके लिए तरीका बताया है कि परमात्मा की वाणी अच्छी ना लगे तो भी सुनता रहे, क्योंकि ये कानों के माध्यम से अंदर जाती है, अंदर जाकर कुनिन की तरह अपना कार्य करती है, अंदर के पापों को धो देती है, और कुछ दिनों के बाद आपको इतनी अच्छी लगेंगी ये कथाएं परमात्मा की, 200-200, 400-400, 1000-1000 किलोमीटर जाकर आप सत्संग सुना करोगे, क्योंकि आपकी आत्मा स्वस्थ होगी। अब उसको भूख लग रही है, जब अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, जबर खत्म हो जाता है, फिर उसको ऐसी भूख लगती है, नो डट कर रोटी खाता है, सब्जी भी ना मिले सूखी रोटियां भी खा जाता है, क्योंकि वो स्वस्थ हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की कथा, परमात्मा की चर्चा उन्हीं पुण्यात्माओं को अच्छी लगती है जो जिनका अंतःकरण स्वस्थ हो चुका है, और जिनका स्वस्थ नहीं है तो उन्होंने भी सत्संग ही सुनना पड़ेगा। ये परमात्मा की वाणी आहार भी है और ये मेडिसिन का भी, दवाई का, औषधि का भी काम करती है। तो 6 महीने हो गए, कहता भूषण बता रहा है गुरु जी को कि मैंने 6 महीने हो गए, गुरु जी रोजाना कहे, मेरे तो प्यार भी करे, वही मैं आहार करता हूँ, उसी के भंडारे में रह रहा हूँ, लेकिन नाम लेने की रुचि कति नहीं बनी। 6 महीने में जा करके मैंने मेरी रुचि बनी, मैंने उपदेश लिया। अब पुण्यात्माओं, इस काल ने कई तरह से हमें बना रखा है, व्यवस्थित कर रखा है। हम पहले तो भक्ति करना नहीं चाहते, भक्ति करने लगते हैं तो फिर हमारे अंदर एक और गुण है, मान अभिमान का अवगुण है ये, जिसके कारण हम भक्ति बर्बाद कर लेते हैं। अब काकभूषण ने क्या किया कि 6 महीने तक शिवजी भगवान की जो कथाएं गुरुजी सुनाया करते थे वह सुनता रहा, वह घोट ली, कंठस्थ याद कर ली, और उनकी अच्छी आवाज थी उस लड़के की, भूषण की, और युवा आयु उम्र थी। तो क्या हुआ, जो वहां श्रोता आते थे, जब गुरुजी कहीं स्नान करने चले जाते या कुछ घूमने फिरने चले जाते, कुछ श्रोता वहां बैठ जाते तो वो कथा सुनाने लग जाता उनके अब्सेंस में। तो वो भगत जन कहने लगे, भाई कमाल कर दिया भूषण जी, आप तो गुरुजी से भी अच्छी कथा सुनाते हो, तो आपकी तो बहुत ही प्यारी आवाज है। उसके अभिमान घर कर गया और वो चौधरी पाक गया, अंडी पाक गया वो। फिर अब काकभूषण अपने सारे बताव बीती हुई भूषण गुरु जी को कि एक दिन गुरु जी आए मंदिर में और मेरे पास कुछ चेले चपटे बैठे थे, मैं खड़ा नहीं हुआ अभिमान का मारा और बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। अब गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया इन बातों पे, वो तो जाकर अपने भगवान शिव जी के शिवलिंग बना रखा था उसको, वहाँ उनकी पूजा पाजा करने लग गया, और मैं बैठा रहा, बैठे बैठे दर्शन कर लिए। तो भगवान शिव जी ने ये बात खटकी, आकाशवाणी करी, अरे धुरत, तू अपने गुरु का भी सत्कार नहीं कर सकता पाप आत्मा, तुझे 1,00,000 वर्ष नरक में डालूंगा।
ये आकाशवाणी गुरुजी ने भी सुन ली, भूषण बता रहा है। अब पुण्यात्माओं कहते हैं, बालक बहुत प्यारा माँ का, उसते बढ़कर शिष्य गुरुओं का। देखो पिताजी को अपना बेटा बेटी बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन माता को माँ से भी पिताजी से भी 100 गुना लगाव अधिक होता है, और माँ से भी ज्यादा प्रिय शिष्य होते हैं गुरु को, ये सत्कर्म मान लेना। क्योंकि जब तक बालक, जैसे एक परिवार के 2-3-4 बच्चे होते हैं, तो एक आधा बालक ये कह देता है कि माँ या पिताजी आप इसका ज्यादा भेदभाव करते हो, इसको ज्यादा प्यार करते हो, वो उसकी अपनी सोच होती है, लेकिन माता पिता के मन में किसी भी बेटा बेटी में कति अंतर नहीं होता, क्योंकि वो जो माता पिता पद पर हैं वो समझते हैं इस बात को। ऐसे ही जो गुरु पद पर होते हैं उनको अपने शिष्य माँ से भी अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि वो परमात्मा से परिचित होते हैं और बच्चों के भविष्य से भी परिचित होते हैं, तो वो उनको बहुत प्यारे लगते हैं कि इनकी भक्ति बर्बाद ना हो जाए, इनका जीवन नष्ट ना हो जाए, मुश्किल से बात सिर चढ़ी है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, बेटा क्या गलती होगी, भगवान क्यों रुष्ट हो गए थे आपसे, आपको तो बहुत भयंकर श्राप दे दिया। हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे भगवान, गुरुजी प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, हे भगवान, बालक था, बोला बच्चा था, अभी नाम लिया था, इससे कोई गलती होगी हो तो माफ करो मेरे दाता, माफ करो मेरे दाता। काफी दिन तक आरती प्रार्थना करते रहे, तब आकाशवाणी हुई कि इसने बैठे बैठे दर्शन किए थे, इसने आदर सत्कार नहीं किया गुरुजी का। जब तू गुरुजी का ही सत्कार नहीं करेगा तो मेरे लोक में आकर मेरे साथ फिर यहाँ क्या तू व्यवहार करेगा। पुण्यात्माओं, ये देखो ये खेल का मैदान है, बच्चे चाहे किसी सत्र में खेलें, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बच्चे खेलते हैं तो नियम वही होते हैं उनके, और जो स्टेट लेवल पर गेम खेलते हैं तो उनके भी नियम वही होते हैं, और जो नेशनल स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं उनके भी नियम वही होते हैं, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्टेट स्थिति में खेलते हैं तो उनके भी नियम वही होते हैं। तो ऐसे ही क्या बताते हैं परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में बताया है कबीर जी ने, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को यानी जो मेरा नाम उपदेश देने का मैंने अधिकारी बना रखा है उसको मेरा ही स्वरूप माने, गुरु मान उस कर जानते ते नर कहीं है अंधे, होए दुखी संसार में आगे यम के फंदे, गुरु गोविंद कर मानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। तो गुरु जी को परमात्मा मानकर अपने इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है जन्म और मृत्यु वाली ने। जैसे एक गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, उसके लिए सपोज करना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये, और फिर वो 100 रुपये मूलधन मानने के बाद ही हम उस करोड़ों और अरबों के मूलधन को प्राप्त कर सकते हैं और अपना इक्वेशन, अपना ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। जब तक हम 100 रुपये मूलधन नहीं मानेंगे तो ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने इसलिए बताया है कि आप जी वो 100 रुपये हैं वो मूलधन नहीं था, वो ओरिजिनल मूलधन नहीं है, लेकिन उसके बिना वो मूलधन मिल नहीं सकता। तो गुरु जी को आप जी ने भगवान सपोज करना पड़ेगा, आपने ये मान करके ये गुरु जी नहीं ये भगवान खड़े हैं। और पुण्यात्मा जब आप भगवान के पास जाओगे तो आप जी कैसे व्यवहार करोगे, जो इस दास के साथ आप कर रहे हो,
और वो व्यवहार भगवान को मान्य है या नहीं है, नहीं है तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाओगे। और जो गुरु जी के को आप परमात्मा रूप में मानकर और फिर उसके साथ जो बोलना चलना व्यवहार करना निष्कपट भाव से बातें करना और उसके अंदर एक विशेष कसक बना कर रखना, तो यही एट दिट इज भगवान से आप क्या होगा। तो यहाँ से जब जाओगे, जैसे आदमी दिन में रिहर्सल करता है, बातें करता है, ऐसी सपने में आऊंगी, तो वो स्वप्न में तो प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हैं वही आपके स्वप्न में आती। तो ऐसे ही जब यहाँ शरीर छोड़कर जाओगे तो इस दास के रूप में परमात्मा आपकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ खड़ा होगा। फिर आप वहाँ भी वो अड्डपट मारोगे, यहाँ मारते थे तो वहाँ से तुरंत ऑटोमेटिकली आपके पैरों के नीचे से स्लिप निकल जाएगा फट्टा, एकदम नीचे आओगे गद्दे ही। वो अलग बात है कि आपने पुण्य जो भक्ति कर रखी है वो अलग अलग मिल जाएंगे, को स्वर्ग में वो कितने धक्के खाते रहोगे, पार नहीं हो पाओगे। तो इसलिए हमने गुरुजी के साथ वो डीलिंग करनी चाहिए जो भगवान के साथ किया करते हैं, तब आप सफल होगे। तो यहाँ काकभूषण से आकाशवाणी में भगवान शिव ने कहा कि तुमने अपने गुरुजी का सत्कार नहीं किया, तुम अंडी पा किया बैठा बैठा प्रणाम कर लिए तुमने, तो जब तू गुरुजी के दर्श का सत्कार नहीं कर सकता तो मेरा केक रहा तने फूकूंगा, मारा गाडूंगा, मैं क्या करूंगा इसे दुष्ट का इस पवित्र लोक में, क्योंकि भगवान पहले ही उस भस्मासुर से दुखी थे, इसे नालाकांत। तो फिर प्रार्थना की उस गुरुदेव ने, कहा बेटा माफी मांग भगवान थे। और काफ़ी दिन तक कहता भूषण के मैं और गुरुजी प्रार्थना करते रहे, आकाशवाणी की के नालायक तेरे गुरुजी की अर्जी मैंने स्वीकार कर ली है, तुझे रहना तो पड़ेगा, जब तू यहाँ से शरीर छोड़कर जाएगा तुझे नरक में तो रहना पड़ेगा, अब जो मैंने कह दिया सो कह दिया, 1,00,000 वर्ष तू नरक भोगेगा, लेकिन नरक में तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, ये मैं आदेश दे दूंगा। अपनी आत्माओं देखो, जैसे किसी की जेल होगी और वो मंत्री का मित्र है, मंत्री का रिश्तेदार है, वो जेल में तो उसने रहना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ के वो जेलर और कर्मचारी उसको बोल कह कुछ नहीं सकते, वहाँ बटेऊ की तरह रहेगा, मेहमान की तरह रखा जाएगा, लेकिन रहना पड़ेगा जेल में जब तक उसकी सज़ा बरकरार वो है निर्धारित है। तो इसी प्रकार उसने शिव जी ने उसको इतनी राहत तो दे दी कि नरक में तो यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, वो आदेश मंत्री हैं, क्योंकि ये मंत्री है उन्हें दे दिया। कहते हैं मैं 1,00,000 वर्ष जेल में रहा, वहाँ नरक में रहा, लेकिन यम के दूतों ने मुझे सताया नहीं, गुरु जी की प्रार्थना पर भगवान शिव जी के कृपा से। उसके बाद कहते फिर मेरा फिर मानव शरीर हुआ, उस मानव शरीर भी मैंने कई बर्बाद कर दिए, फिर मानव शरीर हुआ, फिर मैं लोमस ऋषि नाम के एक महात्मा, लोमस नाम के ऋषि एक कथा क्राम करें थे, मैं वहाँ जा बैठा, वहाँ मेरे मन में ये एक विकार है जीव के अंदर, वो फिर उत्पन्न हो गया, कहने लगा कि वो सरगुण के बारे में जानकारी दे रहे थे, सरगुण के बारे में सरगुण, और मैंने कहा नहीं मैं तो हूँ निर्गुण का अधिकारी, और सरगुण सभी नष्ट नाश हो जाई, निर्गुण कथा हमें बतलाई। लोमस ऋषि जी से कहा कि हे लोमस ऋषि जी, आप तो जो इस साकार भगवान के बारे में बता रहे हो ये तो नष्ट हो जाएंगे, हमें तो निराकार और निर्गुण के बारे में जानकारी दीजिए। अब लोमस ऋषि जी ने बहुत समझाया, चेष्टा की कि भाई जैसे बीज है, आम का बीज है, आम के पेड़ का बीज आम के फल में है, और उस बीज में पेड़ है, अब बीज में पेड़ निर्गुण रूप में है, ये कोई काम नहीं कर सकता, ना छाया हो ना इसका फल लगे, तो ये निर्गुण है, इस निर्गुण का क्या करेगा, चाहिए तो हमने सरगुण। जैसे बीज को बोया, पौधा बना, फिर धीरे धीरे पेड़ होया, पेड़ होकर उसका फल लगे, छाया बनी, तो सरगुण हुआ तो काम आया, और वो निर्गुण ने के चटेगा, तुम वो बीज में आम का पेड़ है,
कहने लगा मेरे बात बुद्धि माई को ना, क्योंकि मेरा घिसा पिटा ज्ञान कहीं से सुना सुनाया फिर आगे गया। फिर रोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तू चंडाल का जन्म होना चाहिए तेरे जैसे नालायक का, जा चंडाल के घर जन्म ले तू मोटी बुद्धि के। तो तब काकभूषण कहने लगा मैं नाराज नहीं हुआ, मुझे दुख नहीं हुआ, मैं लोमस ऋषि के चरणों में गिर गया और मुझे वो पिछले दुख याद आ गए। लोमस ऋषि से प्रार्थना की, माफ़ी मांगी, महाराज मुझे गलती होगी माफ़ कर दो, अपने दास को जन्म तो कहीं दे दो पर एक आशीर्वाद दे दो मुझे, मेरा कहीं भी जन्म हो मैं भगवान की भक्ति ना भूल पड़े। लोमस ऋषि खुश हो गए, तब आशीर्वाद दे दिया बेटा अब चंडाल के घर जन्म तो तने लेना पड़ेगा काग चंड के, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तेरा भगवान की भक्ति याद रह जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो फिर ऐसा ही हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं, मेरा काग चंड के घर जन्म हुआ, ये ब्रह्मा की पत्नी जो ब्रह्माणी है इनके, ये हंस इनका एक वाहन है, तो उनकी हंसनी जो है वो रुत पर आई, उसको कागचंड के द्वारा जा करके वो नए कराई, तो कहते उसके बाद मेरा जन्म हुआ उनके संयोग से, कागचंड के और हंसनी से मेरा जन्म हुआ। और फिर नीचे का शरीर तो मनुष्य जैसा है लेकिन मुंह कौवे जैसी है, जो ऊपर का शरीर कौवे का है बाकी शरीर मनुष्य जैसा है कागभूषण का। कहने लगे फिर मैं, उसके बाद मुझे जोगजीत नाम के संत मिले, परमात्मा कबीर परमेश्वर जी चारों युगों में आते हैं, प्रत्येक युग में एक एक नाम उनका सुप्रसिद्ध होता है, जैसे सतयुग में सतसुकृत ऋषि नाम से, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से, द्वापर में करुणा में ऋषि नाम से, और कलयुग में कबीर परमेश्वर नाम से वो परमात्मा सुप्रसिद्ध हुए। लेकिन अन्य रूप बनाकर भी वो प्रकट होते रहते हैं और उस समय भी वो ज्ञान प्रचार और समझाते रहते। तो ऐसे वो परमात्मा जोगजीत नाम से सतयुग में आए हुए थे और उससे फिर कहते हैं मैंने उनका ज्ञान विचार सुना, उनसे काफ़ी देर तक डिस्कस की, फिर उन्होंने जो सृष्टि रचना मुझे सुनाई उसके बाद मेरी होश हवास उड़ गए, चरण पकड़ दिए, प्रभु ऐसी ज्ञान तो किसी ने आज तक सुनाया नहीं, और उनसे मैंने दीक्षा ली, तब मेरी ये स्थिति आई है, तब मैं ऐसी मेरी भक्ति बनी है और मेरी लंबी आयु होगी। तो पुण्यात्माओं कहाँ से बीज पड़ा उसकी भक्ति का, पहले तो कहते असंग जन्म चले गए, मैंने याद भी कौन किया परमात्मा, फिर स्टार्ट कहाँ से हुई, फिर गलती बन गई, फिर नरक भी हो गया, फिर जन्म हुआ, फिर बकवाद कर दी है, और फिर धीरे धीरे आखिर में रोग कहाँ कटा, उस परम पिता परमात्मा के चरणों माने से, उसके सच्चे ज्ञान से, उसकी सच्ची भक्ति से। अब आपको उस परमात्मा की अमर वाणी में ये ज्ञान सुनाते हैं, अमर वाणी सुनाते हैं आपको। बुझे गरुड़ भूषण बियाना, मोसे भेद कहो विधि नाना, वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, देवतों की देह द्वार मुख कागा, कलंगी तीन शीश पर साजे, शब्द कुलाहल हर्ष निवाजे, मधुकर बैन सुनत हो शांति, कहो भूषण या की उत्पाती, श्रवण सुर सुमरत वचन उमेदा, दाम रसायन सब तन भेदा, वचन सुनत सुख होत आनंदा, भेद कहो निज परमानंदा, कमल कपोल मधुर बन तेरे, सुनते शब्द कटे पाप मेरे, आज अनादि कथा विस्तारा, मोको भेद कहो तत्सारा, परम भेद कहो बहु भाती, मिटे हमारे मन की कांति, कौन देश को नगर निदाना, कहो भूषण आदि परमाणा, कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुले कौन वंश बखाण्या,
पर वन वर्ण कला परवेशा तुमरी महिमा कर है शेषा। जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम इंद्री जीत चढ़े मन सेजम। ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेखा कहो भूषण मोय आद संदेशा। चंद्र का तेज सूरज की किरणा जासे अधिका तुमरा वर्णा। कौन कलागत रूप स्वरूपा तिमर मेट उजियारा दूपा। सुनो भूषण तुम अकल अनुपा भेद कहो परमानंद जू का। कह भूषण तुम सुनो खगेशा तो से भेद कहूं परवेशा। अब गरुड़ जी ने पूछा कि आपकी इतनी आपके पास बैठने से मुझे ऐसी शांति आती है मैंने कहीं नहीं देखा, और आपका ऐसा चेहरा है आपके दर्शन से ही आनंद होता है, आपने ऐसी उपलब्धि कैसे हुई ये पूरी विस्तार से मुझे बताने का कष्ट करें। अब काकभूषण कहता कह भूषण तुम सुनो खगेशा तो से भेद कहूं परवेशा। अपने आत्मा परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले जिला जज्जर हरियाणा वाले को मिले, उनको ये ज्ञान दिया जो स्वयं 600 वर्ष पहले बताया करते थे। और इनको हम अविद्वान कहा करते थे, ये अनाड़ी लोग, ये अनाड़ी ऋषि, मैं ऋषि ब्राह्मण के वो क्या जाने भाषा के बारे में, संस्कृत के बारे में। अब देखिए भाषा का कैसा रोग सा काट रखा, कितनी अच्छी तरह भाषा बोल रखी है। कह भूषण तुम सुनो खगेशा तो से भेद कहूं परवेशा। खगेश, अब यह खगेश भाषा संस्कृत की है, खग माने पक्षी, खगेश पक्षियों के राजा, पक्षियों के स्वामी। खगेश गरुड़ जी को काकभूषण कह रहे हैं कि सुनो खगेशा, हे पक्षी राज, अब मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो। कह भूषण तुम सुनो खगेशा तो से भेद कहूं परवेशा। शंख कल्प जुग गए बिहाई ही पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कहते मेरे शंखों कल्प बीत गए या धके खाते न, और बहुत से जन्म बर्बाद हो गए, अपूर्व जन्म की मैं कथा सुनाता हूं। संख कल्प जुग हो गए जामन मरण जिहान, जन्म मरण में इस संसार में संखों जन्म बीत गए। जन्म पूर्व ला तुझे कहूं सुनो खगेश सुजान। सुनो गुरुड़ मेरा आज संदेशा, भिन भिन भेद कहूं खगेशा। शंख जन्म पूरब पैमाला गए जो मिथ्या नहीं संभाला। कहते मेरे मनुष्य जीवन शंखों मनुष्य जीवन बर्बाद चले गए, उनमें भक्ति स्टार्ट नहीं हुई, प्रारंभ नहीं कर पाया। शंख जन्म पूरब पैमाला गए जो मिथ्या नहीं संभाला। अवधपुरी एक नगर निधाना जहां अवतार धरे मोरे प्राणा। अवधपुरी में मेरा जन्म हुआ, 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता भय काल सनीपा। पड़ा काल दुर्भिक्षता ही पृथ्वी डोल गई रे भाई। कहते इतना भयंकर काल गिरा, कहते धरती अलगी वहां पर हाहाकार मच गई। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। मनुष्य को मनुष्य खान लाग गए, भूखे मरते एक दूसरे के बुड़के भर ले और आखिर में मर गए। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेशा, मेरे माता पिता मर गए, सारा परिवार समाप्त हो गया। उसके बाद कहते मैंने वो अवधपुरी को छोड़ दिया। अवधपुरी हम तजी खगेशा, ताही समय गए मालू देशा। मालू देश में गए, पुरी अवंती लीना बासा, जावा नहीं अन्न की तरासा। अवंतिकापुरी में मैं चला गया, वहां अकाल नहीं था। अन्न तो तहां पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। पंडित एक अवंती माही, कथा कर्ण शिव द्वारे जाही। सट मास हम संगति की नी, बहुर तास की दीक्षा लीनी। 6 महीने तक उसका साथ किया, तब मैंने दीक्षा ली उनसे।
टहल कर जिस पंडित केरी, गुरु चेले का भाव गनेरी। स्वामी कर्ण गए असनाना, पूजा अर्पण धूप ध्याना। शिव पूजा पंडित अर्थावे, बेलपत्र धरलिंग बनावे। शिव पूजा पंडित करे, जा हम लिया निवास। गुरु शिक्षा मन में करी, मिटी खगेश पियास। तन मन अर्पे फेरे माला, जाके ऊपर ईश दयाला। कहते उस पंडित जी के ऊपर भगवान शिव जी पूर्ण प्रसन्न थे, उनकी वो सच्चा पुजारी था। पूजा करण देवालय आए, जहाँ हम बैठे दर्शन पाए। कहते हैं जब वो मंदिर में आए एक दिन पूजा करने, तो मैं बैठे बैठे ने उनके दर्शन कर लिए। पूजा करण देवालय आए, देवालय यानी मंदिर में आए। जहाँ हम बैठे दर्शन पाए, जहाँ शिव को मोय दिया सरापा। लाख वर्ष तुम जमपुर रखा, तहाँ शिव जी ने इस बात पर मेरे को श्राप दे दिया, लाख वर्ष तक जमपुरी यानी नरक में रखने का। पंडित सुना बचन शिव केरा, ओठ चरण लिए कीन गुरु गुरु केरा। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कलप करी बालक बोराया। रे धर बालक तू शिव का ध्याना, ताते बक्से तेरे प्राणा। चार पहर पंडित को बीते, बहोर आवाज हुई मन चीते। चार पहर तक ब्राह्मण पंडित जी गुरु जी अपने शिष्य का छुटक अपराध क्षमा कराने के लिए प्रार्थना करते रहे। चार पहर पंडित को बीते, बहोर आवाज हुई मन चीते। मेरा वचन न खाली जाई, जम के लोक चलो रे भाई। शिव जी की का फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा वचन खाली नहीं जा सकता, उस नरक में तने जाना ही पड़ेगा, यम के लोक में। बौर दरा पंडित तब ध्याना, बक्सो साहेब या के प्राण। फिर प्रार्थना की गुरुजी ने, बहुत बार की अर्ज अर्ज ठीका, बाणी अरस बही शिवनी का। बहोर महादेव भय दयाला, जमका लोक भुगते तत्काला। हमरे लाग्या संसार सोका, छोटी दे गई जम के लोका। चंद्रो जम तत्कालम आए, शिव की दया गुरु अर्थाए। जम हमको ने दीन त्रासा, भुगत्या नहीं नरक निवासा। जोग ध्यान और नाम नरेसा, जब तब करनी मिटे अंदेशा। प्राणायाम किया परनामा, स्वर्गपुरी को चले विमाना। कहते वहाँ से फिर मेरा जो हो गया, फिर मैं कुछ दिन स्वर्ग रहा, उसके बाद मैं 84 लाख योनियाँ भोगता रहा। फिर कभी लोमस ऋषि एक कथा कर रहे थे, वहाँ चला गया। लोमस ऋषि जहाँ कथा कराई, जहाँ हम प्रसंग पूछा जाई। वहाँ मैंने प्रसन्न कर दिया, एक विषय के ऊपर मैंने जानकारी चाही। सरगुण कथा होत तिस बारी, हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हमें गौराया, लोमस ऋषि प्रसंग बतलाया। बहुर संबोध किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम नेरा। कहते हैं बार बार फिर संवाद किया उनसे, उसके पीछे बैठा था श्रोताओं के, मैं आगे जाके लोमस ऋषि के पास बैठ गया। गुरुड़ जी को भूषण जी बता रहे हैं, सरगुण कथा बिना क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जद जा बोले काग बसुंडा, दृश्या अद्भुत रूप अखंडा। अब ऋषि लोमस ऋषि बता रहे हैं कि भाई निर्गुण तो चीज दिखाई नहीं देते, और सरगुण बिना उस निर्गुण न समझावांगे कैसे। जैसे आम के किसी भी पेड़ के या पौधे के बीज को ले करके उसको समझाने के लिए बताना पड़ेगा कि इस बीज में ये सामने पेड़ है, ऐसे पेड़ है, ऐसा पेड़ इसके अंदर निर्गुण रूप में है। अब सरगुण कहीं होगा नहीं, तो निर्गुण न तू समझेगा क्या। जिस व्यक्ति ने आम का पेड़ ना देखा हो और आम के बीज को दिखा कर के समझावा कि इसमें कैसा पेड़ होता है, तो उसको बताया जाता, दिखाया जाता है कि ये जो आम सामने खड़ा है, ये पेड़
ये इस बीज में निर्गुण रूप में है। तो सरगुण बिना निर्गुण के गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। अब लोमस ऋषि तो न्यू बतावे थे, न्यू बोला मेरी बुद्धि में यह बात समाई को ना। क्या बताते हैं, सरगुण कथा बिना क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जदवा बोले काग भूषंडा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा रहो लोलाई। अब कहने लगे मैं उस लोमस ऋषि को शिक्षा देने लग गया कि जो दिखाई देता है तो नाश हो जाएगा एक दिन, और निर्गुण की भक्ति करो, निर्गुण की भक्ति करो। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, विस्तार से बताया उस प्रसंग को लोमस ऋषि ने। सुनो सुनो गुरुड़ आद कथा हमारी, लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी। सुनो गुरुड़ आद कथा हमारी, बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रह जो गंगा। तप कर कह भागीरथ लाए, तीहु लोक कीर्ति दर्शाए। पुणात्मा ये तत्व ज्ञान है और इन कथाओं से बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अब सरगुण निर्गुण निर्गुण बताते थे, निराकार है भगवान, निराकार है। अरे निराकार तो हमने ना दिखता इसलिए है, जो साधनाएं हमने की वो उनसे भगवान मिला नहीं। जैसे कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि बीज में वृक्ष है, और जब तक इसको बीजेंगे नहीं तो बीज में वृक्ष हमें दिखेगा कैसे। और दूसरा उदाहरण ये दिया है कि सरगुण निर्गुण का दूसरा उदाहरण दिया है कि जैसे भगवान शिव की जटा कुंडली में, जटा एक ये जटा जो भगवान के शिव पर दिखा रखी है ना, ये बालों का जटा, और इसमें एक औरत का मुंह सा दिखा कर उसके मुंह से गंगा निकलती दिखा रखी है, ये तो एक बनावटी कल्पित है, ऐसा नहीं है। भगवान शिव के लोक में एक जटा कुंडली, एक डैम है, बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा। यो प्रत्येक लोक के अंदर, जैसे शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, सबके लोक में बड़े बड़े सरोवर होते हैं। तो शिव जी के लोक में एक बहुत बड़ा डैम है, उसका नाम जटा कुंडली है, उसका नाम जटा कुंडली डैम है। तो वो सतलोक से गंगा आई थी और उसके बाद वो जटा कुंडली डैम में 6 महीने तक रही, मतलब 6 महीने वो जटा कुंडली जो डैम था, वो सरोवर था, वो भरा। उससे भरकर फिर वो ऊपर आई। उसी समय भागीरथ जी तप कर रहे थे गंगा को नीचे लाने के लिए। उनका आग्रह ना, गंगा ने आना था और भागीरथ ने जस पाना था। ये सारी कहानी अब समझ में आओगी। अब यहां क्या बता रहे हैं, शिव की जटा रह जो गंगा, बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तप कर कह भागीरथ लाए, तिहुं लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। कि या गंगा हमने ना दिखी थी, हमारे लिए अवेलेबल पृथ्वी पर नहीं थी। भागीरथ ने तप किया और उस तप करके उस निर्गुण जो हमें नहीं उपलब्ध थी वो थी वहां पर मौजूद, साकार में थी। और वहाँ से ये गंगा नीचे गिरती है, तो वहाँ से नीचे गिरने से ये वाष्प रूप बन जाती है, वाष्प। और फिर यहाँ इस पर हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप धारण कर लेती है, और फिर वहाँ से जल बनकर ऐसे निकलती। तो बीच से ये आती नज़र नहीं आती आम व्यक्ति को, ये दीव दृष्टि से देखी जाती है। और ये गंगा सतलोक से आई है, काल के लोक का ये अमृत नहीं है। पुणात्माओं अब ये बातें याद रखने की हैं कि ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब निर्णय होगा। जो अभी तक हम खिचड़ी ज्ञान बनाए बैठे थे, किसी का सिर पैर हमारे पास नहीं था, अब ये सारा सुलझ जाएगा। कहते नौमण सूत उड़ जिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, वही उलझे न दूजी बारे। काल ने और काल के दूतों ने, इन झूठे गुरु ऋषि में ऋषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे नौमण
यानी 360 किलो सूत, ये धागे होते थे पहले, कच्चा सूत काटते थे, वो एक किलो उड़ जावा ना सुड़ जा सारे दिन में, जब उन्हें खींचे तो टूट जा तो गांठ पड़े तो फिर वो कपड़ा नहीं बन सकता, वो व्यर्थ होया, उसको बड़े प्यार से सुलझाना पड़ता था। तो एक किलो उलझे हुए सूत ने सुलझाने में सारा दिन लग जाता था दुलाहे का। परमात्मा कहते हैं, ये कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि तुम ये इन अज्ञानियों ने ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत नौमन उलझा दिया। और कहते सतगुरु ऐसा नौमन सूत उलझाइया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझ ना दूजी बार, तब ये ऐसा सुलझ जाएगा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से, गुरु जी की दया से, इस दास पर रजा करी भगवान ने, तो ये ऐसा सुलझ जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान, फिर नहीं उलझ जाएगा इस कलयुग में, जो भक्ति करो चाहे ना करो कोई ज्ञान में कमी नहीं रहेगी। तो एक सैंपल है, एक गंगा उस सतलोक से आई हुई, इसके गंगा के जल को कितने दिन रख दो खराब नहीं होता, क्यों ये कहाँ से आएगी, इस पृथ्वी पर ही चल रहा है, तो ये कहाँ से आई, हमारी बुद्धि यहाँ तक थी शिव जी की जटा में तो निकली, फू दुखा रखी नो एक औरत, अरे फूटे बाघ मारे। भगवान शिव जी का एक डैम है और वो सतलोक से जब आई तो 6 महीने में वह भरी थी, वो भर के फिर और फ्लो होना शुरू हो गया, उस इसमें भागीरथ तप कर रहा था पहले से ही, तो जब ये ऊपर तो पड़न लगी फालतू होगा, जब भगवान शिव ने कह दी तथास्तु ले भाई गंगा आ जाएगी, तो ये तो चलती का टोर मारनी है, चलती का टोर मारने वाले। तो ये सतलोक से आई थी शिव के, फिर शिव के धाम में, शिव के धाम को डैम भर गया 6 महीना, फिर आगे चल पड़ी, अब वो पीछे से चल ही रही है और वो वहाँ से ओवर फ्लो भी हो ही रहा है, और यहाँ अब ये इस प्रकार ये गंगा आपको उपलब्ध है, लेकिन इस गंगा के पानी से मोक्ष नहीं है। तो ऐसे ऐसे अमृत पदार्थ हैं सतलोक के अंदर, ये सैंपल है वहाँ का। अब क्या बताते हैं गरुड़ जी, यानी कबीर परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं इनको सिर्फ कागभूषण और लोमस ऋषि के माध्यम से। बहुर कह सर गुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तप करके भागीरथ ल्याए, तिहूं लोग कीर्ति दर्शाए, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सुरगुण समझो भाई। अर तोड़ कर दिया कि निराकार और साकार समझ लो, निर्गुण और सरगुण, ये वहाँ पर सतलोक में थी गुप्त, यहाँ नहीं आ रही थी, फिर शिव जी के लोक में आई, शिव जी के लोक में थी यहाँ नहीं पहुँच रही थी, तो ये वहाँ गुप्त थी, वो यहाँ आ गई, ये हमें दिखाई देने लगे, सरगुण हो गया, लेकिन ये पहले भी एज इट इज इसी रूप में विद्यमान थी। तो ऐसे ही परमात्मा साकार रूप में सतलोक में है, हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हमने उनको निर्गुण मान लिया, निराकार मान लिया, और वो स्वयं यहाँ आकर प्रकट हुए तो साकार हो गए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई, वृक्ष बीज में है सब ठौरा, जब उगे तब दिखे मोरा, डाल पान सब नजरों आया, पंछी केल करते हैं छाया, फल पक्षी नर करें आहारा, या लीला सरगुण विस्तारा, सरगुण भोग किए भगवाना, बहुविधि बिल से संत सुजाना। लोमस ऋषि प्रसंग सुनाया, दम बिन शंख आवाज न राया, शंख शरीर पवन से गूंजे, आत्मज्ञानी पद को बूझे। अब ये बताया कि जैसे वृक्ष बीज में है सब ठौरा, प्रत्येक बीज में वृक्ष है, लेकिन वो उगेगा जब दिखाई देगा, फिर उसका फल लगेंगे, पक्षी भी खाओगे, मनुष्य भी खाएंगे, छाया भी होगी, यानी वो लाभदायक हुआ। सरगुण बिना निर्गुण किस कामा, निर्गुण बिना ना सरगुण धामा, बर्तन बिना वस्तु कहाँ पावे, वस्तु हो तो बर्तन आवे। कह लोमस ऋषि सुनो भूषंडा, जीवन पुष्ट हो तो बिन अंडा, अंड बिना तो पिंड ना होई, पिंड अंड का साक्षी सोई। पुण्यात्मा अब सरगुण निर्गुण के बारे में जानकारी देते हुए लोमस ऋषि ने बहुत कुछ समझाया। कागभूषण जी कहते हैं मेरे पल्ले पड़ी नहीं, फिर लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया। आगे क्या बताते हैं, जोगदीत मिला गुरु पूरा, पूर्ण ब्रह्म का सकल जहूरा। फिर उसके बाद
मेरे मुझे शराब दे दिया, फिर चंड के घर मेरा जन्म हुआ। उसके बाद जोग जीत मिला गुरु पूरा, पूर्ण ब्रह्म का सकल जहूरा। मोको नाम दान उन दीना, ताते अभय पद मैं चीना। कहते हैं जो आज मुझे उपलब्धि हुई है ना, लोमस ऋषि से मेरी बात बनी, क्योंकि वो निर्गुण सुरगुण तो बता दिया पर उसके पास मंत्र ठीक नहीं था। फिर मुझे जोग जीत नाम के एक पूरे गुरु मिले, उन्होंने मेरा सारा संशय निवारण किया, जिससे मुझे ये अभय पद मिला। अपने आत्माओं, ये पुराणों की जो कथाएं थी, इनको इनसे हमने अब निष्कर्ष निकालना है। जैसे भगवान शिव जो हैं, ये भी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और पार्वती जी जो इनकी पत्नी है, उनकी भी मृत्यु होती है। अब ये बात आम व्यक्ति का खटक जाती है कि शिवजी और ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और ये भी 84 योनियों में जाते हैं, पर इनकी आयु बहुत लंबी चौड़ी होती है। अब ये बात विशेषकर हिंदू समाज के गले नहीं उतरती, इसके लिए थोड़ा सा इसको ना शुगर कोटेड करना पड़ता है, एक प्रमाण देना पड़ेगा, ताकि पुण्यात्मा जो पहली बार सुने विद कह नहीं आसानी से स्वीकार कर ले। देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत अर्थात देवी पुराण में एक प्रमाण दिखाते हैं। ये है देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक है हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे, ये 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद यहां पर, भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। इसे सिद्ध है कि ये जन्म और मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है, खुद स्वीकार करते हैं। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से उत्प्रगट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।